रियलिटी टीवी के देखने और सुनने वाले मौजूद नाज़रीन को मोहम्मद हसन की जानिब से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, में से हर शख्स जानता है कि मस्जिद अक्सा के मौजूदा हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मस्जिद अक्सा का मुकाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मौजूदा हालात के मुताबिक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बहुत सारे चैलेंज का सामना है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त फ़लस्तीन के लिए दिन रात दुआएँ कर रहे हैं। इसराइली यहूदी ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाया जाए ताकि शैतान की पूजा की जाए। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमास ने बदला देने की गर्ज से तकरीबन 150 के करीब रॉकेट फायर इसराइल पर दागे, जिसमें से 90% रॉकेट इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही तबाह कर दिए। बाकी बचने वाले मिसाइल इसराइल की बिल्डिंग्स और तरक्याती कामों पर गिरे, जिनके नतीजे में 3 इसराइली जहन्नुम वासिल किए गए। रात गए तक काफ़ी रॉकेट मिसाइल इसराइल पर दागे गए। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत इनका नुकसान बहुत कम हुआ। अगर इनका डिफेंस सिस्टम राह में हायल ना होता तो इनका काफ़ी नुकसान हो चुका होता। इसराइल का जुल्म से तम मुसलमानों पर दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। आखिर दुनिया के तमाम मुसलमान इस जुल्म से तम पर खामोश क्यों हैं? हमास एक इस्लामी तंजीम का नाम है जिसे 1987 में कायम किया गया था। इस तंजीम को बनाने का ये मकसद था कि इसराइल के जुल्म से तम को रोका जा सके। हमास को बनाने का ये मकसद है कि इसराइल की बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके और यहाँ के काबिज यहूदियों को यहाँ से निकाल बाहर किया जाए। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 90% के करीब मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। बाकी बच जाने वाले मिसाइल शुमाली इसराइल में गिरे, जिसके नतीजे में 3 यहूदी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यानी इसके नतीजे में 3 यहूदी शदीद ज़ख्मी हुए। हमास की बहुत सी इस्लामी ममालिक फंडिंग करते हैं जिनमें पैसा और असलहा शामिल है। यानी इनकी पैसे और असलहे से मदद की जाती है ताकि यहूदियों के बढ़ते हुए मजालिम को रोका जा सके। यहूदी एक लानत-ज़दा और दुत्कारी हुई कौम है जो जानकर मुसलमानों पर जुल्म से तंग की दास्तानी रकम कर रहे हैं। इसराइलियों का ये मकसद है कि मुसलमानों के बढ़ते हुए असर रोग को रोका जा सके। इसराइल ने जुल्म जबर करते हुए कई इसराइली बम फलस्तीन पर फेंके और इन्होंने हमास पर कई इसराइली बम फेंके, जिसके नतीजे में 15 कमांडर शहीद हो गए। हमास ने बदला लेते हुए तकरीबन 150 के करीब बमों से इनके ऊपर हमला किया, क्योंकि यहूदियों का एक खास दिन था। इस दिन के मुताबिक यहूदियों का मानना है कि उन्होंने अपने आइडियल लैंड के ऊपर कदम रखा था। यानी इन्हें ऐसी सरजमीन मिल गई थी जिनका ख्वाब ये तकरीबन 3000 साल से देखते आ रहे थे। जब किसी का जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो इसके खिलाफ जहाद करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बाज़ मिसाइल दुआ मांगने से ही हल नहीं होते। इस कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी जहाद करने की ज़रूरत पड़ गई। यानी जहाँ जुल्म सितम हद से बढ़ जाए वहाँ पर जहाद लाजिम हो जाता है। जंग के दौरान कई ऐसे मौके थे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक दस को काफ़ी चोटें बर्दाश्त करना पड़ी थी। एक गज़वा के दौरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक भी शहीद हो गए थे। यानी जब कफार के मजालिम हद से बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार से इनका सामना करना पड़ा। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी इम्तिहान लिया। हर जंग के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहते और कामयाबी इनके कदम चूमती। अगर सिर्फ दुआ से ही मसला हल हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करवा कर सब कुछ हल करवा सकते थे। मौजूदा दौर के मुताबिक पाकिस्तान एक सुपर पावर है, लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुपर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान खामोश क्यों है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी अफवाज को ऐसे ऐसी नियमतों से नवाजा है कि दुनिया के किसी ममालिक के हिस्से में नहीं आ सकी। यहूदी अपने जहन में ऐसी साजिशें बना रहे हैं जिनसे तमाम इस्लामी मुल्क ला इलम हैं, लिहाजा तमाम मुसलमानों को जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाना चाहिए। हमें इससे लानत-ज़दा और दुतारी हुई कौम का कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि हमें मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और काफिरों की साजिशों से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों पर अपना ख़ास रहम व करम नाजिल करे। सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात वाहिद ज़ात है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और भरोसा करने वाले सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।